हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अलीज़ा एंड आई एम शबिस्ता। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू मेथी की सब्जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल मसालेदार चटपटी आलू मेथी की सब्जी। ज़्यादातर लोग हरी मिर्ची के साथ ही आलू मेथी की सब्जी बनाते हैं, बट आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में और आप लोगों को आएगी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह पसंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 टेबलस्पून फ्रेंड्स हमें लेना है तेल। तेल जैसे ही गर्म होगा हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर जीरा। और उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है लौंग। तो 3 से 4 हमने यहाँ पर डालनी है लौंग। और दोनों चीज़ों को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। जैसे ही जीरा थोड़ा सुनहरा होगा हम डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून के बराबर कटा हुआ लहसुन। और 1/2 टेबलस्पून के बराबर हमें डालना है कटा हुआ चॉप किया हुआ जिंजर। और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से लाइट गोल्डन कर लेंगे। जिंजर और गार्लिक दोनों लाइट ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद हमें यहाँ पर डालना है अनियन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ली है 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसको बिल्कुल हमें बारीक बारीक काटना है, मोटा यहाँ पर हमें डालना नहीं है। और प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएगी तो यहाँ पर हम डाल देंगे 2 हरी मिर्ची या फिर आप लाल मिर्ची डाल दीजिए तोड़कर। इस तरह से हमें डालना है, अच्छा फ्लेवर आता है लाल मिर्ची से। और इसके बाद हमें डालना है 2 बड़े टमाटर, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बिल्कुल छोटे छोटे महीन महीन पीस डाल सकती हैं काट के। साथ ही डाल दिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी डालना है। हल्दी नमक डालेंगे तो जो टमाटर है वो काफ़ी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हमें कवर करके रख देना है जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से नहीं गल जाएं। तो फ्रेंड्स, जो टमाटर हैं इनको गलने में कम से कम 2 मिनट का ही टाइम लगेगा, क्योंकि हमने नमक और हल्दी को मिलाया है। और नमक हल्दी मिलाने से जल्दी से टमाटर हो या कोई भी सब्जी काफ़ी जल्दी से गल जाती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं काफ़ी मॉइस्ट हो चुके हैं, तेल भी छूट चुका है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 2 बड़े आलू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 आलू लिए हैं और छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो कोई भी शेप ले सकते हैं। और आलूओं को अच्छे से वॉश करके हमने डाल देना है मसाले में, बट आप ख्याल रखिए कि आलू बहुत ज़्यादा मोटे नहीं कटे हों। और साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्ची। आप अगर तेज़ खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। और 1 टीस्पून के बराबर हमने डाल दिया धनिया पाउडर। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा टेक्सचर, कलर और कितनी खूबसूरत हमारी सब्जी और टेस्टी सी दिख रही है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद हम थोड़ी सी डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। आप 1/2 टीस्पून के बराबर ले सकती हैं। जो हम ढाबा स्टाइल सब्जी बना रहे हैं उसमें कश्मीरी लाल मिर्च अगर आप डाल देंगी तो कलर बहुत अच्छा आएगा, जस्ट लाइक ढाबा स्टाइल। तो 2 हरी मिर्ची यहाँ पर मैंने तोड़ के डाल दी हैं। और हमें करना क्या है, अब हम डाल देंगे साथ ही यहाँ पर मेथी। तो फ्रेंड्स, विंटर का सीज़न है, मेथी तो हर घर में बहुत ज़्यादा बनती है और सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी मेथी डाली है, यानी कि आधी। और जैसे ही मेथी थोड़ी सी पक जाएगी और जो हमारा कढ़ाई है भर गई एकदम से, तो हम जो आधी मेथी बची हुई है वो वापस से डाल देंगे। तो यहाँ पर जो मेथी है थोड़ी सी पक गई है और अब हम बची हुई मेथी भी डाल देंगे। और मैंने 2 बार इसलिए डाली है क्योंकि हमारा जो कढ़ाई है उसमें एकदम से पूरी मेथी नहीं आ रही थी, तो 2 बार में मैंने डाल दिया। मेथी को हम सारे आलू मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारी मेथी को मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कम से कम 5 मिनट स्लो फ्लेम में ढककर पका लेंगे। और 5 मिनट बाद आप देख सकती हैं कितनी अच्छी सब्जी यहाँ पर दिख रही है। बट हमें यहाँ पर चेक करना है आलू। अगर आलू अच्छे से गल गया होगा तो सब्जी हमारी तैयार है, बट हम अगर नहीं गला तो हम थोड़ी देर और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू जो है वो थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए और कवर करके पका लेते हैं। और बहुत डिलीशियस डिश है, आप ज़रूर ट्राई करिए। सबको मेथी बहुत विंटर में पसंद आती है। तो ये बिल्कुल जस्ट लाइक ढाबा स्टाइल आज मैंने आपके लिए बनाई है। इस रेसिपी को आप ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैंने यहाँ पर कवर करके रख दिया है, 1 से 2 मिनट के बाद हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकती हैं कितने अच्छे से तेल छूट गया है और 1 से 2 मिनट में जो आलू है वो कम्प्लीटली गल गए हैं। तो गाइस, जब भी हम आलू मेथी बनाते हैं तो हमें आलू मेथी को बहुत अच्छे से भूनना होता है। तो यहाँ पर जो आलू मेथी है वो बहुत अच्छे से भुन चुकी है, एकदम तैयार है। तो गैस की फ्लेम हम करते हैं ऑफ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ढाबा स्टाइल आलू मेथी मसाला बनकर एकदम रेडी है। और अगर आपको ये डिश पसंद आती है, ये रेसिपी आप पसंद करते हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह से टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। और अगर आप मुझसे चाहते हैं विंटर में मैं आपके लिए कोई आपकी पसंद की डिश बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखें। टेक केयर।